हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में बनाने अपना डिनर प्रिपेयर करने। क्या हुआ आओ, क्या क्या हुआ? नीरा बहुत ज़्यादा शैतान है। तो अभी आज बना रही हूँ नॉनवेज, और नॉनवेज में बना रही हूँ चिकन। तो चिकन बहुत दिनों से नहीं खा, तो अभी पूरे गर्मी मैंने, मुझे लग रहा है 2-3 बार ही खाया होगा चिकन। तो आज बना रही हूँ चिकन। एक सेकेंड, दूध वाला आ गया, थोड़ी देर में बात करती हूँ। गाइस, तो दूध वाला आ गया था तो मैं गई थी दूध लेने। और नीरव क्या कह रहा है उसको, ध्यानस भाई को अच्छे पीट, अच्छे पीट, मतलब उसने ध्यानस को अभी जस्ट मारा था। मैंने जब पूछा ना कि क्या हुआ, तो जस्ट उसने उसको मारा था, तो वही उसको बता रहा है दूध वाले को कि मैंने ध्यानस भाई को अच्छे पीट। तो बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं। तो अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपना चिकन। तो चिकन मेरे हस्बैंड ज़्यादा लेके आ गए, क्योंकि मैं और नीरव ही खाते हैं हमारे घर में, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो है चिकन अभी मैं बनाने वाली हूँ, तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और इतना मैंने रख दिया है, कल बनाऊँगी ये, थोड़ा ड्राई टाइप बनाऊँगी, चिली फ्लेक्स वगैरह, ब्लैक पेपर क्रश करके, लेमन वगैरह डाल के जस्ट मैं उसको सिंपल फ्राई करूँगी। और इसको अभी बना रही ग्रेवी वाला चिकन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 अनियन लिए हैं, सिनेमन स्टिक लिए हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो सिनेमन स्टिक को मैंने ना छोटे छोटे ऐसे तोड़ के डाल दिए, ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए, और मुझे सिनेमन स्टिक अच्छा लगता है। और उसके अलावा मैंने ले लिए गार्लिक, और इसमें अब मैं डाल लेती हूँ ये कर्ड। ओह माय गॉड, सारा डब्बा किचन का जो भी ग्रॉसरी आइटम रखती हूँ सारा ले लेके जा रहा है नीरव, पता नहीं सारा फेंक रहा है, फैला रहा है उस घर में। सारे किशमिश उसने पता नहीं कहाँ से कहाँ डाल दिए, आधे छीट दिए थे उसने, और आधे एक और कंटेनर था उसमें उसने शिफ्ट कर दिया। मेरी हालत देख सकते हो, एक तो ध्यान को ऐसे ले लेगी, ये पूरा मेरा एकदम सीने से गीला हो जाता है। और मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाऊंगी ओट्स, मिक्स वेजिटेबल ओट्स। तो कल भी वो डिनर में वही लिए थे, प्लस एक बाउल सैलेड का लेते हैं। तो अभी थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड जो है वो डाइटिंग पर है, तो काफ़ी उन्होंने वेट गेन कर लिया था इस विंटर, क्योंकि इतने सारे हमने पराठे वगैरह खाए थे घी में डाल डाल के। और मैं भी थोड़ा सा अभी वेट को लेकर थोड़ा सा वो कर रही हूँ, थोड़ा सा हेल्दी खा रही हूँ, और शुगर थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे 2 कप चाय तो चाहिए ही चाहिए होता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं 2 कप चाय ले रही हूँ, तो आधे आधे कप करके मैं 2 बार पीऊँ। तो टोटल एक दिन में यानी कि हुआ 1 कप, तो एक दिन में 1 कप ठीक होता है, बट 2 कप भी ठीक नहीं होता। उसके अलावा अगर मैं और किसी फॉर्म में शुगर की बात करूँ तो मैं नहीं लेती हूँ, जैसे स्वीट्स काफ़ी लोगों को पसंद आता है, तो मैं उतना नहीं, मुझे कभी कभार क्रेविंग होती है, कम खाती हूँ। तो अभी जा रही हूँ प्रिपेयर करने यमी सा चिकन। कहाँ जा रहे हो? नीचे कहाँ जाने जाओ, कोई आया है क्या? अच्छा, तो नीरव के डैडी अभी ध्यान को लेके जा रहे हैं नीचे, क्या काम है। ओह गाइस, ये गर्मी, मतलब गर्मी का सब कुछ ठीक है, मुझे गर्मी बहुत पसंद आता है, मतलब ए नीरव, नो नो कॉकरोच। मैंने नीरव को रोक लिया तो बहुत गुस्सा हो रहा है। गर्मी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, बट ना ये किचन में जब इतना हमें रहना होता है, हमें मतलब एज अ हाउस वाइफ हमें किचन में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। नीरव ए, अच्छा चलो 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 मैं भी चलती हूँ। ओह गॉड, इतना चलो, वेट वेट नीरव, रुको रुको रुको, अच्छा स्लोली स्लोली स्लोली, अच्छा स्लोली, ओके ओके चलो, हाय बोलो, हाय हाय, डैडी देखो गाइस, देखो नीरव बोरा, देखो। तो मेरे हस्बैंड के कोई फ्रेंड आए मिलने के लिए, तो देख रहे हो कैसे कर रहा है, देखो एक बार हाय बोलो, हाय हाय गाइस। अच्छा आप किस लिए आए, आप क्यों आए, क्या है? पेड़ वाले हैं। वाओ, ये छोटे वाले हैं, ये पेड़ से गिरे हैं ना, तो उनको कहाँ से मिला? यहाँ पेड़ है ना, छोटे 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 आम है, कच्चे आम है ना, हर सब पके हैं, एकदम पके हैं पेड़ वाले।
इसका चटनी नहीं बना सकते हैं? जब पेड़ के पके हैं तो चटनी कैसे बनेगा यार? फिर भी कुछ होते हैं थोड़े खट्टे थोड़े मीठे। बेटा इधर उधर नहीं। गाइस देखो हमें फ्री में क्या मिला है, यहाँ पर आम के पेड़ बहुत सारे हैं ना, हमारे भी छत के ऊपर से हम तोड़ सकते हैं, बट थोड़ा दूर है तो किस लिए रिस्क लेना। देखो हमें फ्री में मिला, आई एम सो हैप्पी। चलो मैं घर में जाके बात करती हूँ। गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हमें आम मिल गया, बट ये कह रहे सारा पका हुआ है, तो खैर अच्छा होता है पेड़ का जो खुद से पकता है ना। यहाँ पर इतनी हरियाली है, यहाँ पर इतने ज़्यादा मैंगो के पेड़ है, यहाँ पर आम के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। तो इनकी किसी फ्रेंड ने मतलब आए थे कुछ काम से तो उन्होंने दिया। ओके तो मैं कहती थी कि ये अभी बनाऊँगी जो ज़्यादा वाला है इसका ग्रेवी, और कल इसका मैं बनाऊँगी फ्राइड करके। एंड उसके लिए हमें चाहिए अनियन, गार्लिक, जिंजर, सिनेमन स्टिक, कर्ड, थोड़े बहुत ब्लैक पेपर। तो ये थोड़ा सा मैं इसमें कर्ड ज़्यादा डालूँगी, तो 4-5 चम्मच तो डालूँगी, 3। और ये गाइस होममेड कर्ड है, तो बस इन सबको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ एंड या रेडी है। गाइस अब ध्यान से नखरे शुरू हो गए हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ इतना ज़्यादा शैतानी करता है। अभी आज मैंने देखा, अभी आज मैं नीचे ले गई थी प्रैम में, बिल्कुल भी नहीं प्रैम में बैठता है, पता नहीं ऐसे मुंह बना रहा था जैसे लग रहा है कितना इस पर अत्याचार कर रही हूँ मैं। तो जैसे ध्यान को मैंने प्रैम में बैठाया और थोड़ा दूर लेके गई दो, और इतने आंसू बहा के रोने लग गया, ओ माय गॉड। फिर मैंने तुरंत उसको गोद में ले लिया, फिर नीरव बैठ गया प्रैम में और उसको मुझे घुमाना पड़ा। देखो क्यूटी पाय, देखो इस क्यूटी पाय को, ओ थूक निकाल रहे। और हम लोग आज जब चाय पी रहे थे ना, रस खा रहे थे, तो रस पे ऐसे अटैक कर रहा था खाने के लिए, माय गॉड पूछो मत कैसे कर रहा था खाने के लिए। खाना है, और इसे मैं गर्मी में बिल्कुल भी रख सकती हूँ क्योंकि अभी मैं चिकन को थोड़ा सा फ्राई करूँगी तो इसके ऊपर भी आ सकता है। तो इसके डैडी ने मुझे दे दिया है, बट मैं जा रही हूँ वापस इसके डैडी को देने। हेलो हेलो बेबी, डैडी नहीं ले रहे हैं आपको? डैडी क्यों नहीं ले रहे हैं बताओ? इतना क्यूट को कोई नहीं लेगा। तेल गाइस बिल्कुल आग जैसे हो गया है, बहुत ज़्यादा ही हीट हो गया है। मैंने बिल्कुल गैस से नीचे उतार दिया क्योंकि इतना गर्म हो गया है, तो ध्यान को ली थी तो इस वजह से। तो पहले मैं इसको ऐसे डाल देती हूँ। ओके गाइस तो ग्रेवी जो है वो बिल्कुल अच्छे से भून गया है, तो इसमें मैं अब चिकन डाल के सीधा पानी डाल दूँगी। तो ये रहा हमारा फ्राई किया हुआ चिकन, थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई हो गया क्योंकि मैं ध्यान को उस वक्त दूध पिला रही थी, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है, पर ठीक है कोई नहीं। इसमें अब मैं पानी डाल देती हूँ। तो इसमें ये इसलिए पीला दिख रहा है क्योंकि मैंने इसमें टमाटोज नहीं डाले हैं, और मैंने मतलब थोड़ा सा चिली भी बहुत कम डाला है क्योंकि नीरव भी खाएगा, तो इसलिए बहुत कम मैंने चिली डाला है। थोड़ा सा भी पानी और जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ये। तो मैंने बताया था कि मैं अपने हस्बैंड के लिए ओट्स बनाऊंगी, मसाला ओट्स है ये। तो इसमें मैं डाल रही हूँ ये है पम्पकिन, तो पम्पकिन को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, और थोड़ा सा लिया है मैंने अनियन क्योंकि मेरे हस्बैंड ही सिर्फ खाएंगे, तो इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने कैबेज भी थोड़े से लिए हैं, और मैं यहाँ पर 2 टमाटर भी चॉप करूँगी, तो पहले मैं इनको फ्राई कर लूँ। और यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 1 चम्मच ऑलिव ऑयल लिया है, तो अभी हम लोग ऑलिव ऑयल ही ज़्यादा खा रहे हैं, और उसके अलावा मस्टर्ड ऑयल, बट रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अनियन डाल देती हूँ। तो राइस जो है वो कुक हो चुका है, और आपको दिखा देती हूँ चिकन। तो चिकन क्योंकि हम ही लोग खाते हैं, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है तो वो नहीं खाते हैं, और चिकन जो है बहुत ही ज़्यादा यम्मी सा बना है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा थिक रखा है मैंने, हालांकि मैं ये खाऊंगी राइस के साथ, बट स्टिल मैं इसमें डाल देती हूँ पम्पकिन। पम्पकिन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। जा रही हूँ अब नीरव को चिकन और राइस देने, एंड थोड़ा सा मैंने अनियन चॉप किया क्योंकि मुझे चिकन के साथ अनियन अच्छा लगता है, फ़िश के साथ भी। और ये रहा मेरे हस्बैंड के लिए मसाला ओट्स, तो इसमें पानी डाल दिया है और ये अब कुक हो रहा है। नीरव का डिनर बिल्कुल रेडी है, क्या
भजन शुक्र आप नीरा भैया से समझदार हो ना है ना क्यूटी पाई है ना अच्छे बच्चे हो ना आप अच्छे बच्चे हो आप गुड बच्चे हो ओके गाइस नीरव का ये फ्राइड चिकन बिल्कुल रेडी है तो मैं अनियन के साथ उसको दूंगी तो थोड़ा सा मैं भी खाऊंगी इसलिए